नमस्कार, मैं रोशन हूं और इस वक्त जो देश भर में चर्चा है वो आदि पुरुष की है। 500 करोड़ रुपए की मेगा फिल्म बनी है और इस फिल्म में, क्योंकि मैंने नहीं देखी है लेकिन जो मैंने रिव्यू देखे हैं और जो लोग देखकर आ रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी निराशा हुई है। उनका ऐसा मानना है कि हमारे इतिहास को भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई है और उसके जो डायलॉग हैं, उसके जो पात्र हैं, उनकी जो वेशभूषा है, तमाम उन सब मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं और खासकर सवाल मनोज मुतंसिर से भी उठ रहे हैं क्योंकि वो बड़े राम भक्त हैं और अपने आप को राम भक्त मानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डायलॉग लिखे हैं ऐसा नहीं लगता कि कोई राम भक्त इस तरह का डायलॉग लिखेगा। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक अमित कुमार जी हैं। अमित कुमार जी, फिल्म देख के आए, वही हमें बताएंगे कि असल फिल्म क्या है और क्यों इसकी इतनी आलोचना हो रही है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक मिनट में इस फिल्म की समीक्षा बताइए कि कैसे आपको लगी। अगर एक मिनट में इस फिल्म की समीक्षा के बारे में बात, हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। एक कार्टून बनाया गया है जो बच्चों को दिखाया जा रहा है। स्पाइडरमैन देख करके बच्चे बड़े हो रहे थे आज के जमाने के, एक तरह से वही लगता है कि ये फिल्म जो है स्पाइडरमैन है। 3D में टेक्निक का बहुत VFX का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो कहानी है अगर उसको रामायण से रिलेट करके बनाया गया है तो ये फिल्म जो है रामायण नहीं है। रामायण की एक तरह से आप कहें तो उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। ओम राव, अच्छा, ओम राव ने तानाजी फिल्म बनाई थी और उसमें बड़ी प्रसिद्धि मिली थी और चूंकि वो खुद भी मराठी है और तानाजी में जो शिवाजी महाराज की और तानाजी की पूजा की जाती है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने बहुत इस बात का ध्यान रखा कि हमारी संस्कृति को लेके कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो फिर मराठी समाज जिस तरह से रिएक्ट करता है उसका उनको एक भय था। और उन्होंने तानाजी का जो व्यक्तित्व था, और अगर हम मनोज मुतिन सर की बात करें तो इन्होंने जो दो फिल्मों की हम इनकी अगर चर्चा कर लें, एक तो जो इन्होंने केसरिया के डायलॉग लिखे और उसके गीत लिखे तेरी मिट्टी में मर जाऊं, उसमें उस गीत ने मनोज को अमर बना दिया है। और जो बाहुबली के उन्होंने डायलॉग लिखे थे, ये दो फिल्में उनकी बड़ी चर्चित रही। तो लगता है कि इन्होंने दोनों ने जो नाम कमाया था इस फिल्म के कारण उन्होंने गंवा दिया। ये इस फिल्म से उन्होंने, इस फिल्म के डायलॉग से उन्होंने अपने जो भी उन्होंने गेन किया था वो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। वो एक कवि बहुत अच्छे हैं, गीतकार भी बहुत अच्छे हैं। और ओम राउत जी, तानाजी की आप जिक्र कर रहे हैं, तानाजी जिसने भी फिल्म देखी होगी वो तारीफ करेगा, लेकिन वो बताया जाता है कि उसमें ओम राउत से ज्यादा जो डायरेक्शन का काम किया था वो अजय देवगन का था, इसलिए वो फिल्म बहुत अच्छी बनी। इस फिल्म को देखने के बाद से लगता है कि ओम राउत ने इस फिल्म में डायरेक्शन किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दिया, या फिर उनको अपने पे इतना ज्यादा भरोसा था कि उनको लगा कि मैं जो भी दिखाऊंगा वो दर्शक एक्सेप्ट कर लेगा। उसका उसके जस्ट उलट हुआ है इस बार। पहला शो देख करके जब मैं निकला था तो बाहर जो था, जो युवा थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी रामायण देख रहे हैं, क्योंकि अभी एक साल पहले कोरोना काल में रामानंद सागर के दूरदर्शन पे रामायण टेलीकास्ट हुआ था और वो गिनीज बुक में उसका रिकॉर्ड नाम है और उसको TRP के मामले में दोबारा उसने उसी ऊंचाई को छुआ। उसके बाद से दूसरे प्राइवेट चैनल्स ने उसको दिखाना शुरू किया, स्टार ने भी दिखाया। तो वो कहानी और इस कहानी में तो जमीन आसमान का अंतर है। पता ही नहीं चलता है कि रावण जो है वो कहाँ से आधुनिक तरीके से वो आ जाता है और उसकी वेशभूषा, जबकि आप जो है हनुमान या फिर राम को पुराने तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें वो नए रंग रूप में आता है। जो हमारे यहाँ आपको श्रीलंका को लेकर के धारणा है कि सोने की लंका थी, यहाँ तो पूरी की पूरी जो लंका है वो काली है। ठीक है, आप नकारात्मक चीजों को उसका प्रतिनिधित्व करके हुए दिखा रहे हैं कि रावण जो था निगेटिव था समाज के लिए, या वो एक नकारात्मक पक्ष था तो उसको दिखाने के लिए ब्लैक, लेकिन आप जो हमारा इतिहास है उसको तो नहीं बदल सकते हैं ना। जो रामचरितमानस में जो दिखाया गया कम से कम उसको तो टच करेंगे आप। बिल्कुल। और जो वाल्मीकि रामायण है या तुलसी रामायण है, और उसके बाद जो दक्षिण में रामायण लिखी गई, सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई और उन विद्वानों ने लिखी है, उन सब में जो राम, हनुमान जी,
इनकी जो और माता सीता इनकी जो छवि है बहुत ही सौम्य छवि है जी। और यहाँ जो उन्होंने दिखा दिया कि राम के मूंछ दिखा दिए जी और हनुमान जी की काली दाढ़ी दिखा दी, जबकि अगर हम उनको वानर कहते हैं तो वानर तो काली दाढ़ी वाले नहीं होते, नहीं होते हैं। और रावण को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे वो, उनके पिता बहुत बड़े विद्वान ऋषि रहे, वो ऋषि के पुत्र थे, वो शिव भक्त थे, शिव भक्त थे। तो वो जो उन्होंने एक छवि बना दी कि वो भी ब्लैक और एक लंबी दाढ़ी वाले, ब्लैक दाढ़ी वाले दिखा दिया, वो उसका कैसे जनता में रिएक्शन है? वो रिएक्शन बहुत बुरा है, लोगों को लगता है कि ये किसी खास धर्म विशेष के हैं, वो हिंदू धर्म से और हिंदू रिलीजन से कहीं भी रिलेट नहीं हो पाते हैं। जो उनकी दाढ़ी है, दाढ़ी जनक की भी थी, लेकिन वो दाढ़ी वो दाढ़ी का जो लुक था वो अलग था, ये दाढ़ी का लुक अलग है, एक धर्म विशेष की दाढ़ी जो है लुक वो आइडेंटिफाई करती है। सीता को उन्होंने दिखाया है ठीक है, लेकिन सीता मर्यादा का एक पर्याय है, आपने उनको साड़ी जो पहनाई है वो लग रहा है कि रैंप पे पहन के चलने वाली साड़ी है, पल्लू उनकी है नहीं, हमेशा पल्लू उनका गिरा रहता है सर पे, और वो बार बार केसों का नाम लेती हैं, जबकि हिंदू धर्म की अभी भी गांव में चले जाइएगा तो पति का नाम पत्नियां नहीं लेती हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार वो केसों बुलाती हैं। लक्ष्मण का यहाँ नाम शेष रखा हुआ है, शेष शेष करके वो बुलाती हैं, और वो जो इंद्र है, इंद्रजीत जो आपका मेघनाथ, हाँ मेघनाथ, उसके शरीर पे आपने इतने टैटू बना दिए हैं जैसे लग रहा है कि वो कहीं पालिका बाजार से टैटू बनवा के आया हुआ है जी। और कुछ डायलॉग जैसे अभी हम सुन रहे थे जो हनुमान जी के मुंह से कहलाए हुए जी, हैं जी, जी। जैसे मेघनाथ को दिखाया कि पूंछ में आग लगाते हुए, जबकि मेघनाथ का रोल नहीं होता है वहां पर, जो रामायण में नहीं है, नहीं है, लेकिन यहाँ दिखाया गया। और फिर जो डायलॉग उनमें दिखाया गया कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, ये मनोज मुंशी जी ने क्या सोच करके लिखा है, एकदम टपोरी टाइप का ये डायलॉग है। मुझे लगता है कि सी ग्रेड की फिल्मों में भी इस तरह के डायलॉग्स नहीं लिखे जाते हैं। जब उसकी पूंछ में आग लगाई जाती है तब वो बोलती है, हनुमान जी बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेल तेरे बाप की, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये अगर हमारे भगवान हनुमान अगर इस तरह से बात करते हैं तो आप समझिए कि हनुमान को लेकर के, भगवान हनुमान के जो छवि हमारे बच्चों में अभी भी है, बनी हुई है, जो मंगलवार को जाकर के हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं, वो क्या सोचेंगे? इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और ये इस पर ऐसे भी आरोप लग रहा है कि ये जानबूझकर इतिहास को तोड़ने की कोशिश की है कि ताकि जो नई पीढ़ी है वो पुराने, और जो हमारा जो जो हमारी रामायण है, जो रामायण हम पढ़ते सुनते देखते आ रहे हैं, उस रामायण से बच्चों का दिमाग दूसरी रामायण की तरफ, एकदम हो सकता है ये एक नैरेटिव सेट करने की जरूरत लग रहा है कि इस तरह के एक रामायण हम समाज को दें, और आने वाले समय में 10-20 साल के बाद पता चले कि यही रामायण जो है ओरिजिनल है। आज के युवा जो है, जो बच्चे हैं सिंगल फैमिली में रहते हैं, उनको पता नहीं है, उनको ना नानी है ना दादी है जो बताने वाली है कि रामायण में क्या था, भरत और राम के बीच का संबंध, भाई भाई का संबंध कैसा था, एक पति का एक पत्नी के साथ क्या संबंध था, राजा का प्रजा के साथ, वो बताने वाले यहाँ पे आपने इस तरह की बात करा दिया है। राम भक्त थे हनुमान, और हनुमान एक समर्पण की भावना रखते हैं, यहाँ वो सब कुछ एकदम खत्म होता दिख रहा है जी। और लेकिन इसका आपने देखा होगा कि जितनी इसकी बुराई हो रही है, जितना ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है या सोशल मीडिया पर, और जितने लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन इसका जो जो इकोनॉमिक्स है मार्केट में, आप देखिए आज मनोज ने खुद ही ट्वीट किया है कोई 140 करोड़, तो ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड है। तो वैसे ही सोच लीजिए कि शहरों में आज कल आप देख लीजिए कि दूध की दुकानों से ज्यादा शराब की दुकानें खुलती हैं और वो कमाई करती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शराब जो है वो बेहतर है सेहत के लिए, दूध के लिए तो कोई नहीं करता है, लाइसेंस के लिए मारा मारी नहीं होती है जितना उसके लिए होता है। तो इसको कंपेरिजन मत कीजिए कि पैसा ज्यादा कमा लिया, तो इनका मोटो ही यही था कि पैसा कमाना था। इन्होंने एक दिन में जो बुकिंग कर ली 140 करोड़ कमा चुके हैं। आज का अगर फिगर आएगा तो मुझे लगता है कि ये जो है आपको 250 के आसपास पहुंच जाएगा।
जी। और देखिए आपने एक चीज और देखी होगी कि चुनाव, ये जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले लोग कोर्ट में जाते हैं जी, क्योंकि वो एक पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, वो कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है, उसके बाद लोग उसको देखते हैं। जैसे पठान में हुआ था, पठान में इतना कंट्रोवर्सी थी नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, कलर को लेकर के हुआ था वो, लेकिन वो फिल्म फिर ब्लॉकबस्टर हुई। इस फिल्म में हमने देखा कि कंट्रोवर्सी नहीं हुई, पहले इस फिल्म को दिखाया गया और उसके बाद लोग कोर्ट गए और उसके बाद फिर साधु संत आए कि हिंदू धर्म के लोगों को इसलिए हुआ कि पहले शो के बाद से जो रेटिंग आई वो केवल 2 रेटिंग थी। हाँ, कहीं कहीं वो ये लगा कि मेकर्स को लगा, उसके बाद कुछ लोग गए हैं, हो सकता है कि वो उन्हीं के द्वारा प्रायोजित हैं जो कि कोर्ट गए हैं। उसके बाद फिर नेपाल में ये मामला उठ गया माता सीता को लेकर के, उनको भारत में जन्म हुआ बताने के लिए, बात करने के लिए करके, तो मेकर्स ने उसको आज क्लियर कर दिया है, उस डायलॉग्स को हटा दिया है, तो वहां रिलीज हुई है। तो यहाँ भी हो सकता है कि जो इनको लगा था कि हम 3 दिनों में 500 करोड़ रुपया कमा लेंगे, उसको लगा कि हम इससे अछूते रह जाएंगे, तो ये हो सकता है कि वो इसके लिए ये पब्लिसिटी स्टंट कराई गई हो। और फिर जो इनका उद्देश्य है कि 500 करोड़ अगर खर्च किए हैं तो कम से कम 500 करोड़ तो वाई हो जाए, और बाकी भी सोशल मीडिया से या जब एकदम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी तो बाकी पैसा एकदम 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 ये तो है ही जी। तो अमित जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो तस्वीर क्लियर की है कि ये हमारे समाज को क्या बांटना या हमारे समाज में ये जो इतिहास को तोड़ने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है, क्या आपका इसमें सोचना है? एकदम एकदम, अगर ये कंट्रोवर्सी ये कम कर सकते थे, एक डिक्लेरेशन अगर दे दिया होता इन्होंने पहले, फिल्म शुरू होने से पहले ही अगर कह देते कि ये काल्पनिक कहानी है तो ये बात नहीं बढ़ती। अगर सब कुछ इनको मॉडर्न करना, तो सीता को भी आप जींस पैंट पहना देते, राम को भी पहना देते, मूछें आपने लगा दी है, उनके चरित्र के नाम बदल देते, नाम बदल देते ना, तो कोई कुछ नहीं करता। मनोज, आज की रामायण मनोज जी ने भी बनाई थी, उन्होंने नाम को बदल दिया था, आप ये कर सकते थे, लेकिन आपने तो वही सब कुछ रखा है, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।